हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास बायोलॉजी से थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है, और थर्ड चैप्टर को हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन के फॉर्म में पार्ट फर्स्ट के रूप में ले रहे हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेन मिलेगी। तो जो भी लोग चैनल के ऊपर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम चैप्टर थर्ड की बात कर रहे हैं, जो कि प्लांट किंगडम है 11th क्लास से। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर 1969। जो हमने पहले वीडियोस देखे उन वीडियोस में हमने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया था, और जो सेकंड चैप्टर है उस सेकंड चैप्टर में हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन था वो अकॉर्डिंग टू R.H. व्हिटेकर, जो कि 1969 में आए थे और उन्होंने फाइव किंगडम थ्योरी को प्रपोज किया। तो हमने जो सेकंड चैप्टर देखा वो उसकी जो हमने एक तरीके से प्रॉस्पेक्टस बुनी, या पूरी की पूरी जो हमने एक कहानी बुनी, वो पांच किंगडम के चारों तरफ बुनी। और वो पांच किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांटी। वेयर इन ही सजेस्टेड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाइज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांटी। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी। तो हमने सेकेंड चैप्टर में क्या देखा था? हमने सेकेंड चैप्टर में बात की थी मोनेरा किंगडम को, हमने डिटेल में देखा था। प्रोटिस्टा को हमने डिटेल में देखा था, फंगी को हमने डिटेल में देखा था, और वायरस, विरोइड्स और लाइकेंस देखे थे। बट फिर जैसे ही बात आई प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम की, तो हमने उसको क्या किया कि प्लांटी किंगडम को तो हम सेपरेटली पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में डेप्थ में, और जो एनिमेलिया किंगडम है उसको हम फोर्थ जो चैप्टर है उसमें अंदर डिस्क्राइब करके डेप्थ में पढ़ेंगे। प्लांटी पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम, और जो प्लांटी हैं अकॉर्डिंग टू R.H. व्हिटेकर उनको एक सेपरेट किंगडम प्रोवाइड किया गया है, और वो किंगडम है प्लांट किंगडम। वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। हमारी जो मुद्दे की बात ये है यहाँ पर कि प्लांट किंगडम को लेकर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, सोच और समझ थी, वो टाइम के साथ में बदलती जा रही हैं। सबसे पहले फंगी एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल। फंगी के अंदर भी सेल वॉल है, आपको पता है काइटिन की बनी हुई होती है। मोनेराज के अंदर भी सेल वॉल है, पॉलीसेकेराइड्स के और अमीनो एसिड्स की बनी हुई है। प्रोटिस्टा में भी कहीं ना कहीं सेल वॉल है किन्हीं किन्हीं मेंबर्स में। तो हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांटी। पहले की जो अंडरस्टैंडिंग्स थी वो ये कहती थी कि जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल है उनको हम प्लांटी किंगडम के अंदर इंक्लूड करें। बट आज के टाइम की सोच अगर देखें तो वो ये है कि फंगी, मोनेरा और प्लांटी को प्रोटिस्टा को हमने प्लांटी किंगडम से एक्सक्लूड कर दिया है, बाहर कर दिया है, चाहे उनके अंदर सेल वॉल हो या ना हो। थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम, जबकि जो पहले वाले क्लासिफिकेशंस थे उन क्लासिफिकेशंस ने फंगी, मोनेरा और प्रोटिस्टा को प्लांटी किंगडम में ही इंक्लूड किया था। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज द ब्लू ग्रीन एल्गा आर नॉट एल्गा एनीमोर। तो ऐसे करने से क्या हुआ, आज का जो क्लासिफिकेशन है उसको फॉलोअप करने से जो साइनोबैक्टीरिया थे, जिनको हम BGA मीन ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वो अब एल्गी नहीं रहे। मतलब पहले हम क्या कहते थे कि ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी है, प्लांट किंगडम में इंक्लूड है, बट ऐसा नहीं है। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है वो यू बैक्टीरिया के मेंबर बन के फाइव किंगडम थ्योरी के अंदर, मोनेरा के अंदर इंक्लूड हो गए। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। इसमें जो हम प्लांट किंगडम जो डिस्क्राइब करेंगे, प्लांट किंगडम जो डिस्कशन करेंगे चैप्टर का, तो उस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम को एल्गीज में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में डिवाइड करके उनकी थोरोली स्टडी करेंगे। लेट अस आल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और किन को मुद्दा बनाकर देखेंगे, एंजियोस्पर्म्स को मुद्दा बनाकर देखेंगे, और क्लासिफिकेशन को कौन सी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उन चीज़ों को भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। जो अर्लीस्ट सिस्टम्स थे
स्टार्टिंग के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स देखे। सुपरफिशियल का मतलब ऊपर ऊपर से उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल मतलब आकारी की करेक्टर देखे, उनके आकार को देखा कि जैसे वो प्लांट्स जो हैं कौन से हैबिट्स में रहते हैं, लाइक वो मतलब टेरिस्ट्रियल हैं या एक्वेटिक हैं। टेरिस्ट्रियल का मतलब लैंड पर रहते हैं या फिर एक्वेटिक का मतलब वाटर में पाए जाते हैं। इस तरीके से उनकी हैबिट्स देखी, कलर देखा उनका कि किस तरह के हैं, पिगमेंट्स कौन से हैं उनके अंदर, नंबर एंड शेप ऑफ द लीव्स देखी कि नंबर कितनी है, लीव्स किस प्रकार की हैं, एक हैं, दो हैं, शेप कैसा है उनका। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये उनके वेजिटेटिव करेक्टर थे, मीन उनकी रूट, स्टेम और लीव्स की बातें करना, उनके वेजिटेटिव करेक्टर्स के बारे में जानना था। और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लीनियस। और आगे अगर हम बढ़ें तो हमने इस तरीके के क्लासिफिकेशन में उनके एंड्रोशियम्स को भी देखा। एंड्रोशियम्स का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम जो है वो ग्रुप ऑफ स्टेमन से मिलकर बनता है। ये सारी चीज़ें आपने 10th क्लास से देखी हुई हैं। तो इस तरीके का जो सिस्टम दिया था सबसे पहले वो दिया था लीनियस ने। तो यहाँ से आप नोट आउट कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा कि प्लांट किंगडम का जो पहला प्रयास किया, पहला जो एफर्ट किया वो किया था लीनियस ने। और लीनियस ने जो ये क्लासिफिकेशन किया वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेस पे किया, वेजिटेटिव करेक्टर्स के बेस पे किया। और वेजिटेटिव करेक्टर्स में उन्होंने हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव, नंबर ऑफ लीव एंड एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर लेकर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, और इस क्लासिफिकेशन को हमने कहा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसको प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट थे लीनियस। दे सेपरेटेड द क्लोज रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू करेक्टरिस्टिक। उन्होंने क्या किया, ड्रॉबैक्स क्या रही कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी, मतलब पास पास की जो स्पीशीज थी जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर सेम थे, उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू करेक्टरिस्टिक, और किसके ऊपर आधार पे कर दिया, उन्होंने कुछ करेक्टर्स को लेकर उन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल करेक्टर। दूसरा ड्रॉबैक क्या था, दूसरी कमी क्या थी कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उन्होंने इक्वल वेटेज दिया किस किस को, वेजिटेटिव को और सेक्शुअल करेक्टर्स को। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, और ये चीज़ जो है वो एक्सेप्ट करने के योग्य नहीं है, सिंस वी नो, क्योंकि हम जानते हैं दैट ऑफन द वेजिटेटिव करेक्टर आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट। क्योंकि जो वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर्स हैं, वो आसानी से किससे प्रभावित हो जाएंगे, वातावरण से प्रभावित हो जाएंगे, जबकि सेक्सुअल करेक्टर्स ज़्यादातर ईजीली वातावरण से प्रभावित नहीं होते। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड, तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स को हटाया, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। और ये जो था प्राकृतिक समानताओं के ऊपर आधारित था ऑर्गेनिजम्स के। और इन्होंने क्या किया, नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, उन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के बाहरी गुणों को ही नहीं लिया, बट आल्सो इंटरनल फीचर, अंदर के जो भी उनके गुण थे उनको भी उन्होंने इसके अंदर लिया। जैसे कि अंदर के गुण कौन से थे, लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर, उनकी जो प्लांट्स थे उनकी उन्होंने अल्ट्रास्ट्रक्चर देखी। अल्ट्रा एक तो होता है स्ट्रक्चर देखना नॉर्मली, और एक स्ट्रक्चर के भी अंदर जाकर स्ट्रक्चर देखना बहुत अच्छे तरीके से, उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना क्या कहलाता है, अल्ट्रास्ट्रक्चर देखना। तो उन्होंने उसका अल्ट्रास्ट्रक्चर देखा, एनाटॉमी मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की, एम्ब्रियोलॉजी उनके एम्ब्रियोज के स्ट्रक्चर्स देखे, फाइटोकेमिस्ट्री मीन फाइटो का मतलब होता है प्लांट, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल, उन पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर बनने वाले केमिकल्स का कंपोजिशन देखा। इस तरीके से सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। तो जो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। तो अभी तक हमने दो क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की है, एक तो हुआ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम और एक हुआ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल को प्रपोज करने वाले थे लीनियस और नेचुरल को प्रपोज करने वाले थे बेंथम एंड हुकर। एट प्रेजेंट आज के जमाने में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल।
आज के टाइम पर हम जो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को। ये फाइलोजेनी क्या होती है? फाइलोजेनी एक्चुअली में आप इवोल्यूशन से रिलेटेड कर सकते हो। जैसे कि आपने 10th का 7th चैप्टर पढ़ा है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स। इवोल्यूशन एक ऑर्गन्स की स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं कि मतलब जो प्रिमिटिव ऑर्गन होते हैं वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो हम प्लांट्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को चेक करते हैं कि उनका जो निर्माण है, इस वाले प्लांट की जो उत्पत्ति है वो कौन से वाले प्लांट से हुई है, या आज जो प्लांट्स हैं वो किस से बने हैं। जैसे कि आज हमें पता है कि एंजियोस्पर्म्स बने हैं जिम्नोस्पर्म्स से, जिम्नोस्पर्म्स बने हैं ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से, टेरिडोफाइटा बने हैं ब्रायोफाइटा से, और ब्रायोफाइटा बने हैं थैलोफाइटा से। तो इस तरीके से जब हम इनके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन कहलाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा। ये सिस्टम कहता है कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही टैक्सा से जुड़े हुए हैं। टैक्सा का मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, टैक्सा, टैक्सॉन, टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन की जो मतलब एक ब्रांच होती है वो कहलाती है टैक्सोनॉमी, और उसके अंदर जो हम एक कैटेगरी बनाते हैं वो कहलाती है टैक्सॉन, अगर वो सिंगुलर है, और अगर प्लूरल है तो वो कहलाएगी टैक्सा। हैव अ कॉमन एंसेस्टर, वी नाउ यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प टू डिसॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट एंड देर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंसेज। फॉसिल का मतलब डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, उसका जो बचा हुआ पार्ट बच जाता है उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। इन केस अगर आपको फॉसिल नहीं मिलते तो आप कैसे स्टडी करेंगे? तो आप स्टडी करेंगे उनके एंसेस्टर्स की स्टडी करके फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन उनका डेवलप करेंगे। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, नेक्स्ट जो नई ब्रांच है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये क्या है? विच नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। इसमें हम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कंप्यूटर के अंदर सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को इकट्ठा किया जाता है। नंबर एंड कोड आर असाइन, उन करेक्टर्स को नंबर और कोड दिए जाते हैं। एंड देन प्रोसेस्ड, उनके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है कंप्यूटर के थ्रू। इन दीज वे ईच करेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड ऑफ करेक्टर कैन बी कंसिडर्ड। अब आपको पता है कि ह्यूमन के कंपेयर में कंप्यूटर तो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में वर्क करता है, तो कंप्यूटर्स के थ्रू हम हर करेक्टर को ईजिली ऑब्जर्व कर पाते हैं, उनको ईजिली कोड दे पाते हैं, और ईजिली हर करेक्टर को हम एक मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए क्लासिफिकेशन को ईजिली कर पाते हैं। नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो आपको साइटोलॉजी जानना है। सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम ही साइटोलॉजी है, जिसमें हम सेल का स्ट्रक्चर, सेल की शेप, सेल के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेल बायोलॉजी एंड अदर टर्म नोन एज द साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, और उसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स के बारे में बात करेंगे। दैट यूजेज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिसॉल्व कन्फ्यूजन्स आर आल्सो यूज बाय टैक्सोनॉमिक्स इन दीज डेज। तो आज के ज़माने में जो टैक्सोनॉमिस्ट है, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया, प्लांट के अंदर सेल्स के स्ट्रक्चर को देख के, सेल के कंपोजिशन को देख कर टैक्सोनॉमी करना स्टार्ट किया, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना स्टार्ट किया। तो उसको हम कहते हैं कीमो टैक्सोनॉमी या साइटो टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट हम आते हैं, जब डिवीजन हो ही गया है, क्लासिफिकेशन हो ही गया है, और हमें पता है कि हमें प्लांट के अंदर सबसे पहले थैलोफाइट्स, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म को पढ़ना है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बात को एल्गीज के साथ। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। एल्गीज जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, स्पेसिफिकली क्लोरोफिल ए, देन बी, सी, डी, इस तरीके से। सिंपल होते हैं, मीन नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ। थैलॉइड का मतलब भी वही बात है, नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मीन इनके अंदर अपना खुद का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और उस क्लोरोफिल की सहायता से अपना फूड खुद बनाते हैं। एंड लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, ये दोनों ही प्रकार के पानी में पाए जाते हैं, चाहे तो वो फ्रेश वाटर यानी कि रिवर का हो, पौंड का हो, लेक का हो, या फिर मरीन यानी ओशन का हो। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट्स, मोस्ट स्टोन्स, ये अदर हैबिटाट्स में मिलते हैं आपको, जैसे कि मोस्ट स्टोन कोई गीले पत्थर हैं, गीली मिट्टी है, गीली लकड़ी है। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगी, इनमें से जो कुछ हैं वो आपको फंगी के साथ में जुड़े हुए मिलेंगे, मतलब एल्गीज जो हैं वो फंगी के साथ जुड़ी हुई होंगी, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाएगा लाइकेन। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि लाइकेन के दो पार्ट होते हैं, पहला जो एल्गी का होता है उसको हम कहते हैं फाइकोबायोंट, और जो दूसरा होता है जिसको हम
फंगी के लिए काम में लेते हैं, वो कहलाता है माइकोबायोंट। तो इस तरीके से हमने ये सेकेंड चैप्टर में पढ़ लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ये जो है एल्गी फंगी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, तो वो जो नाम बनेगा वो होगा लाइकेंस का, जो कि पॉल्यूशन के गुड इंडिकेटर होते हैं। और अगर ये एनिमल के साथ में जुड़ी हुई पाई जाएगी एल्गी, तो वो भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा, और ऐसा आपको दिखता है स्लोथ पियर के ऊपर। तो ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एल्गी एनिमल के साथ में रिलेशनशिप बनाती है तो उसका एग्जांपल बताइए। तो एल्गी जो है स्लॉथ बियर के साथ में अपना ग्रुप बनाती है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। जो फॉर्म है एल्गी की और साइज है वो वेरिएबल होती है, चेंजेस आते रहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स द फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। तो ये जो एल्गीज हैं आपको कॉलोनियल फॉर्म में भी दिखती हैं, मतलब कॉलोनीज का मतलब ग्रुप में भी मिलती हैं। तो ग्रुप में मिलने वाली एल्गी का उदाहरण है वॉलवॉक्स। ये पीएमटी का हिट क्वेश्चन है कि राइट द एग्जांपल ऑफ द कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनीज के रूप में पाई जाने वाली एल्गी का उदाहरण लिखिए। तो वो उदाहरण होगा वॉलवॉक्स। एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स, जो फिलामेंटस फॉर्म्स हैं, तो वो फिलामेंटस फॉर्म है इसकी यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। तो ये दो उदाहरण याद रखिए, फिलामेंटस के दो उदाहरण है, पहला है यूलोथ्रिक्स और दूसरा है स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट, उसके बाद इफ फ्यू ऑफ द मेरीन फॉर्म सच एज द कैल्प फ्रॉम मासिव प्लांट बॉडीज। ये जो थर्ड एग्जाम्पल है कैल्प, ये मासिव मतलब बहुत बड़ी प्लांट बॉडी बनाता है ओशन के अंदर, लगभग 100 मीटर तक इसकी साइज बढ़ जाती है। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, असेक्शुअल एंड सेक्शुअल मेथड। ये तीनों प्रकार से रिप्रोडक्शन करने में सक्षम है, वेजिटेटिव भी है, असेक्शुअल भी करती है और सेक्शुअल भी करती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर होगा तो सिर्फ एक ही मेथड से होगा, और वो होगा फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा था, स्पाइरोगायरा इसका हिट एग्जाम्पल है। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो स्पाइरोगायरा होती है इस तरीके से वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और हर फ्रेगमेंट जाकर आगे नया जो है स्पाइरोगायरा डेवलप कर लेता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो है फ्रेगमेंटेशन। तो याद रखिए एल्गीज में जो रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो होगा फ्रेगमेंटेशन के कारण। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इंटू अथैलस, हर सेगमेंट आगे जाके थैलस बनाएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के थ्रू होगा, और जिसमें मोस्ट कॉमन है वो है जूस्पोर। तो जूस्पोर्स की जो शेप है वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से जूस्पोर्स, इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं जूस्पोर्स में, और इसकी जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से पीयर शेप होती है नाशपति के आकार की। तो इनको हम कहते हैं बाइफ्लैजिलेट। और ये जूस्पोर्स जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं, मतलब मूव करने में कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद की बात करें, दे आर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड है। अभी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया, इसमें दो स्ट्रक्चर, दो फ्लैजिला है, मोटाइल है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। और जब ये जर्मिनेट करते हैं जूस्पोर्स, तो इनसे क्या होता है, नया प्लांट डेवलप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दो गैमेट्स आपस में मिलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, फ्लैजिला हो सकता है इनके अंदर, सिमिलर साइज के हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी तो वो होगी यूलोथ्रिक्स। याद कीजिए, हिट क्वेश्चन है, हिट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर गैमेट्स फ्लैजिलेटेड हैं और सेम साइज के हैं तो ऐसा रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा यूलोथ्रिक्स में। अगर वो नॉन फ्लैजिलेटेड है और सेम साइज के हैं तो ऐसा रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा स्पाइरोगायरा में। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द आइसोगैमस, और ऐसा रिप्रोडक्शन कहलाता है आइसोगैमस। संधि विच्छेद कीजिए, आइसो का मतलब समान, गैमस का मतलब गैमेट्स। जब दो शेप और साइज में समान गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो वो रिप्रोडक्शन कहलाता है आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। अगर आइसोगैमस के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उदाहरण हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, और अगर वो एब्सेंट है तो उदाहरण हो जाएगा स्पाइरोगायरा। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डी सिमिलर इन साइज, अगर साइज ही डी सिमिलर हो, एज इन स्पीशीज ऑफ एंडोरिना इज टर्म्ड एज एनआइसोगैमस। तो उडोरिना जो है इसके अंदर क्या होता है, एनाइसोगैमस होता है। क्यों होता है एनाइसोगैमस, कि इनके अंदर शेप और साइज ही डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एज अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म ऊगैमस। और अगर मान लीजिए इस तरीके का हो कि एक तो स्टैटिक है, एक गैमेट तो स्टैटिक है और दूसरा गैमेट कैसा है, मोटाइल है, और इन दोनों के बीच में अगर फ्यूजन होता है तो वो कहलाएगा ऊगैमस, और ऐसा आपको देखने को मिलेगा वॉलवॉक्स और फ्यूकस में।
ये कुछ डायग्राम्स हैं जिनके माध्यम से आपको अलग अलग मेंबर्स के बारे में दिखाया गया है। ये कॉलोनियल वॉलवॉक्स है जो कि ग्रीन एल्गा का एग्जाम्पल है। उसके बाद में जो सेकेंड है वो है यूलोथ्रिक्स, ये इस तरीके से मतलब फिलामेंटस फॉर्म में होता है। जो ये डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं ये ब्राउन एल्गीज के हैं। जो पहला एग्जाम्पल दिखा रखा आपको लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये देखिए जो सॉइल से अटैच रहता है वो होल्ड फास्ट, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स टाइप, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं फ्रॉन्ड। उसके बाद में लेमिनेरिया के बाद में ये जो है आपका सेकेंड जो है वो है फ्यूकस। तो फ्यूकस जो है फ्यूकस इस तरीके से होता है। फ्यूकस में ये आपका होल्ड फास्ट सेम है जो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। मिड रिब जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, फ्रंट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एयर ब्लैडर जो इसको पानी में तैरने में हेल्प करेगा। थर्ड जो इसका है वो डिक्टियोटा, डिक्टियोटा में भी सेम टाइप है, फ्रंट है। और थर्ड जो ये आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं ये है रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर पहला जो एग्जाम्पल है वो है पोर फायरा, जिसमें आपको फ्रंट शो हो रहा है। थर्ड है पॉलीसाइफोनिया, जिसके अंदर मेन एक्सिस के साथ में जो ब्रांचेज हैं इसकी वो भी शो हो रही हैं। एल्गीज आर यूजफुल टू मेंटेन अ वैरायटी ऑफ वे, एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अर्थ इज एडेड आउट बाय एल्गल थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिए इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जितने भी ऑक्सीजन हमारे पास में है 21%, उस ऑक्सीजन का आधे से ज्यादा जो हिस्सा है वो एल्गीज क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें देती हैं। बींग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट। तो इस तरीके से एनवायरमेंट के अंदर वो ऑक्सीजन के कंटेंट को बढ़ा देती हैं। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ द आर एक्वेटिक एनिमल। जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं उनको प्रोड्यूसर्स को खाना पड़ेगा, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल कंज्यूमर्स हैं। तो जितने भी जलीय स्रोत हैं, जलीय स्रोतों में प्रोड्यूसर की तरफ बिहेव कौन करती है, एल्गी करती है। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा इंपॉर्टेंट कीजिएगा, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम, ये तीन नाम आप इंपॉर्टेंट कीजिएगा, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम। ये जो हैं इनकी 70% स्पीशीज जो है मेरीन एल्गीज की, ये यूज की जाती हैं एज ए फूड। तो आपके पास में क्वेश्चन आता है कि ऐसी एल्गीज के नाम बताइए जो एज ए फूड यूज की जाती हैं। तो नंबर वन है लेमिनेरिया, सेकेंड है सरगासम और थर्ड है पोरफायरा। सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गा प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज। कुछ ब्राउन और रेड एल्गी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को भी प्रोड्यूस करती हैं, और वो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस ब्राउन एल्गी में कहलाते हैं एल्जीन और रेड एल्गी में कहलाते हैं कैरागिन। तो विच आर यूज कॉमर्शियली, और इनका जो उपयोग किया जाता है वो व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा चैप्टर का ये एग्जाम्पल, अगार। अगार आपको मिलता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। आर यूज टू ग्रो माइक्रोब, ये माइक्रोब को ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। एंड द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, इसके माध्यम से ही आइसक्रीम और जेलीज बनाई जाती हैं। तो याद रखिए अगार कौन से एल्गी से प्राप्त होता है, जिलेडियम से और ग्रेसिलेरिया से। क्लोरेला एक नई जो एग्जाम्पल है वो है नया एग्जाम्पल, क्लोरेला अ यूनिसेलुलर एल्गा। यूनिसेलुलर एल्गी होती है रिच ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एंड यूज एज फूड सप्लीमेंट ईटन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। और इसको एज अ फूड की तरह यूज करते हैं अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में जाते हैं स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, वो अपने साथ में एज अ फूड किसको लेके जाते हैं, क्लोरेला को, जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है। द एल्गी आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रेडोफाइसी। तो इनको पिगमेंट्स के बेस पे ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन, इनका जो रंग है वो घास की तरह आपको हरा दिखेगा, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। इंपॉर्टेंट कीजिएगा क्यों हरा दिखता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। द पिगमेंट आर लोकलाइज इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, और जो आपको पता है कि किचन ऑफ द सेल जो है क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, इनके शेप भी अलग अलग हो सकते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट आपको डिस्क शेप का कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट उसके बाद में प्लेट लाइक इस तरीके से दिखाई दे सकता है, एंड रेटिकुलेट जाल जैसा दिखाई दे सकता है, या फिर कप शेप, कप के आकार का, स्पाइरल इस तरीके से रिबन शेप का दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग शेप आपके हैं वो किसके हैं, क्लोरोप्लास्ट के हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्ट्रॉन्ग बॉडी कॉल्ड स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड्स। ये भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं उनके अंदर स्टोर करने के लिए कुछ बॉडीज पाई जाती हैं, वो बॉडीज होती है पायरिनॉइड्स, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, और ये किस में पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च।
तो पाइरेनोइड्स के अंदर प्रोटीन के अलावा स्टार्च को भी स्टोर करके रखा जाता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, और कुछ एल्गीज जो हैं वो अपने फूड को जमा करके रखती हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल, इनके अंदर सेलुलोज की बनी हुई दृढ़ सेल वॉल पाई जाती है। मेड ऑफ द इनर लेयर, अंदर वाली लेयर तो बनी होगी सेलुलोज की, और बाहर वाली लेयर जो बनी होगी वो बनी होगी पेक्टोज की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा या फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स के द्वारा होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो जू स्पोर्स के थ्रू होगा, और जू स्पोर्स जो है वो जू स्पोरिंजिया में बनेंगे। और द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, एंड इट इज मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। अभी अभी हमने बात की थी आइसोगेमस का मतलब सेम शेप एंड साइज, एनाइसोगेमस मतलब डिफरेंट शेप एंड साइज, और ऊगेमस का मतलब एक तो मोटाइल है और एक स्टैटिक है, एक छोटा है एक बड़ा है, इस तरीके से। तो सम कॉमनली फाउंड एग्जाम्पल्स जो हैं इसके, वो पहला है क्लैमाइडोमोनास। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये यूनिसेलुलर एल्गी है क्लैमाइडोमोनास। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल का एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, ये सब आपके फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखते हैं फियोफाइसी, ब्राउन एल्गा। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गा आर फाउंड प्राइमरली इन मैरीन हैबिटाट्स। ये आपको सिर्फ और सिर्फ ओशंस में ही मिलेंगी, ना कि नदियों के पानी में। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, इनके अंदर साइज और शेप एंड साइज का बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, इनके अंदर कुछ मेंबर तो बहुत ही सिंपल होंगे, फिलामेंटस होंगे, ब्रांच होंगे, जैसे कि एक्टोकार्पस है, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच, और कुछ तो इतने बड़े होंगे जैसे कि कैल्प है, विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर, जो मैंने आपको कहा था समुद्र में कितनी मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है, 100 मीटर की ऊंचाई तक। तो याद रखिए, इसमें कुछ तो इतने छोटे हैं, फिलामेंटस हैं, ब्रांच हैं, सिंपल हैं, तो वो तो है एक्टोकार्पस, और कुछ बहुत ज्यादा मासिव प्लांट बॉडी वाले हैं, वो हैं कैल्प, जो 100 मीटर्स तक पहुंच जाते हैं। दे पजेस क्लोरोफिल ए एंड सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा इस चीज़ को कि इनके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो पाया जाता है ए एंड सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जैंथोफिल्स। पहले वाली जो थी क्लोरोफाइसी उनमें था क्लोरोफिल ए एंड बी, और जो अब फियोफाइसी हैं उनमें है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जैंथोफिल्स। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट। अब इनमें जैंथोफिल पिगमेंट कितना पाया जाता है उसके आधार पर इनके रंग में भी विभिन्नताएं होती हैं। ये ऑलिव ग्रीन यानी जैतूनी हरे रंग से लेकर ब्राउन में भी अलग अलग शेड्स की होती हैं। फ्यूकोजेंथिन कितना है इसके बाद पे भी उस पर डिपेंड करता है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो ये ब्राउन एल्गी है इनके अंदर जो फूड जमा होता है वो लेमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में होता है, जबकि क्लोरोफाइसी में किस रूप में हो रहा था, ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वाल यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाई अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन। इनके ऊपर जो सेलुलोज की वाल होती है उसके ऊपर हाइड्रोकोलॉइड पदार्थ की एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर जो बनी हुई होती है वो होती है एल्जीन की। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल। इनके प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स के अलावा एक बहुत बड़ी वैक्यूल और एक न्यूक्लियस होता है। द प्लांट बॉडी यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। इनकी प्लांट बॉडी जमीन से जुड़ी हुई होती है होल्ड फास्ट से, अभी अभी हमने डायग्राम देखा ही था। स्टाक होता है, डंठल होता है जिसको हम स्टाइप कहते हैं, और लीव जैसी स्ट्रक्चर होती है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है वो कहलाती है फ्रॉन्ड। तो इस तरीके से तीन डिवाइड हो गया, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा बायफ्लेजलेट जू स्पोर्स के द्वारा, जो कि पियर शेप, पियर का मतलब नाशपति के आकार के होते हैं, जिनको हम पायरीफॉर्म शेप भी कहते हैं, एंड हैव टू अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला। तो इक्वल अटैच कैसे होंगे, इस तरीके से, ये है आपका जू स्पोर। और अगर मैं ये फ्लैजिला यहाँ बनाती तो ये तो एपिकल हो गए, तो मैं एपिकल नहीं बनाकर इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाऊंगी, ये लैटरल हो गए, तो ये इस तरीके से जूस्पोर होता है, जो कि इसके दो फ्लैजिला निकले रहते हैं इसके लैटरल साइड से। नेक्स्ट उसके बाद में आती है बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। वही बात आ गई कि अगर सेम शेप एंड साइज का है तो आइसोगेमस, डिफरेंट शेप एंड साइज का है तो एनाइसोगेमस, और अगर एक मोटाइल है और एक जो है मतलब स्टैटिक है तो वो ऊगेमस। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर। यूनियन जो होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वाटर में होगा, या फिर ओगोनियम के अंदर होगा। द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म मतलब बियर शेप होंगे, बियर टू लेटरल अटैच फ्लैजेला, अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, दूसरा एग्जाम्पल है डिक्यूटा, थर्ड है लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस।
नेक्स्ट उसके बाद में आता है रोडोफाइसी पे. द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन. इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये लाल क्यों होती हैं, रेड क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, आर फाइकोइरिथ्रिन. मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैरीन, ये बहुत ज़्यादा समुद्री सतह में पाई जाती हैं, विद ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज. और इनकी कंसनट्रेशन जो है वो वार्मर एरियाज में ज़्यादा पाई जाती हैं. दे अगर इन बोथ वेल लाइट एंड रीजन क्लोज टू सर्फेस ऑफ वाटर एंड आल्सो एट ग्रेट डेप्थ. ये आपको सर्फेस के ऊपर भी मिलेगी और डेप्थ में भी देखने को मिलेंगी, जहाँ की बहुत ही कम लाइट पेनिट्रेट कर पाती है, अंदर जा पाती हैं. द रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ये जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं. सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च. मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए, क्लोरोफाइसी के अंदर फूड जमा हुआ था ऑल्ड्रोप्लेट के रूप में, फियोफाइसी में हुआ लेमिनरीन और मैनिटॉल के रूप में, और जो ये रोडोफाइसी है इसके अंदर होगा फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन नेचर. और ये जो इनका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन से मैच हो जाएगा. द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन. सेम वही बात चल रही है, बार बार ये हमें याद करने की और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कि इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा. दे रिप्रोड्यूस असेक्शुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स. इनमें असेक्शुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स से होगा और सेक्शुअल जो होगा वो भी नॉन मोटाइल स्पोर्स से होगा. तो इस तरीके से अगर हम टेबुलर फॉर्म में इनका कंपेयर करें तो वो कंपेयर कुछ इस तरीके से होगा. सबसे पहले हम क्लास देख रहे हैं क्लोरोफाइसी. कॉमन नेम होगा इसका ग्रीन एल्गी. मेजर पिगमेंट है इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी. स्टोर फूड जो है वो स्टार्च है. सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की. और फ्लैजेला का जो नंबर है वो 2 से 8 फ्लैजेला पाए जा सकते हैं. एपिकल सॉरी इक्वल शेप के होंगे और एपिकल होंगे. एपिकल मैंने आपको बताया था इस तरीके से अगर वो सिर से निकलें तो वो कहलाएंगे एपिकल. हैबिटेट की बात करें तो ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगी, ब्रैकिश का मतलब रुके हुए पानी में देखने को मिलेगी, या साल्टी वाटर में देखने को मिलेंगी. फियोफाइसी में आती हैं ब्राउन एल्गी, जिनके अंदर क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंथिन पाए जाते हैं. फूड स्टोर होता है मैनिटॉल और लेमिनरिन के रूप में. इनकी जो वाल बनी हुई होती है सेलुलोज और एल्जिन की. और इसके अंदर जो फ्लैजेला हैं वो 2 हैं, अनइक्वल हैं और लेटरल हैं. तो लेटरल का इस तरीके से डायग्राम हो जाएगा. ये आपकी जो हैं जो स्पोर्स और इस तरीके से ये लेटरल. नेक्स्ट ये फ्रेश वाटर में, रेयर ब्रैकिश वाटर में और साल्ट वाटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगी. रोडोफाइसी में रेड एल्गी आती हैं और इनके अंदर जो मेजर पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए डी फाइकोइरिथ्रिन. और जमा जो फूड होता है इनके अंदर वो होता है फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में. सेल वाल इनकी बनती है सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की. और फ्लैजेला इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं चूंकि. एंड हैबिटेट होती है फ्रेश वाटर, कुछ कुछ ब्रैकिश वाटर में, और मोस्ट ऑफ इनके अंदर किस मिलेंगे, साल्टी वाटर में. तो अगर हम इनकी बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वो होगा ओगेमस और अकम्पेनिड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब है कि पोस्ट जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा वैसे इनके अंदर जायगोट का फॉर्मेशन होगा. जायगोट बनेगा इनके अंदर और जैसे ही जायगोट बनेगा देन उसके बाद में इनके अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा. तो मतलब इनके अंदर जायगोट भी बनता है, एम्ब्रियो भी बनता है और इस तरीके से इनका पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है. कॉमन मेंबर्स की बात करें तो पहला एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया, दूसरा है पोरफायरा, तीसरा है ग्रेसिलेरिया और चौथा है ज़िलेडियम. और ग्रेसिलेरिया और ज़िलेडियम से हमें मिलता है अगार. और अगार जो है लेबोरेटरीज में काम में आता है माइक्रोब्स को ग्रोथ करवाने में और इनके थ्रू आइसक्रीम और जेलीज बनाई जाती हैं. तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे. एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को फाइट करने में. तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहे. वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें. नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे वो इसके ब्रायोफाइटा से रिलेटेड होगा, सेकेंड पार्ट के रूप में आपके सामने आएगा. अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.